हैल एवरीबडी एंड वेरी वेलकम टू UGC Net सी नेट अना ट्वेंटी फोर सेवन आई होप दैट एवरीबडी इज़ डूइंग गुड एंड आपकी प्रेपरेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन भी अच्छे से चल रही है तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी फ़ेज़ वन और फेज़ टू के आपके एग्जामिनेशन के जो डेट्स हैं उनकी स्केड्यूल एन टी ए के वेबसाइट पर जारी हो चुकी है आइए देख लेते हैं क्यूमुलेटिवली फेज़ वन और फेज़ टू में कौन कौन से दिन कौन कौन से पेपर होने वाले हैं जैसा कि एन टी ए ने पहले ही बताया था कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 13 से 22 जून के बीच में होगा तो देख लेते हैं कि उस रिगार्ड में कौन-कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से डेट पर जो है वो एन ने अभी स्केड्यूल अपना जो है वो जारी किया है सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर आ, एक सेकेंड जी हम्म तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फेज़ वन अगर हम फेज़ वन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो तेरह तारीख से शुरू हो रहा है एंड दिस इज द डिटेल्स स्केड्यूल ऑफ ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड तो सबसे पहले बात करते हैं हम uh, फर्स्ट डे की यानी कि तेरह तारीख की तेरह तारीख को पेपर आपका जो हो रहा है दैट इज़ कॉमर्स फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पर आप दो बार कॉमर्स देख रहे हैं कॉमर्स कॉमर्स वो बेसिकली आपके शिफ्ट को बता रहा है कि कॉमर्स आपका शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों में होगा राइट right? उसके बाद बात करेंगे चौदह तारीख की चौदह तारीख को हो रहा है आपका इंग्लिश का पेपर होम साइंस का पेपर इंग्लिश आपको फिर से दो बार देख रही है दैट मीन ये आपका शिफ्ट वन है यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट है और ये आपका शिफ्ट टू है यानी कि इवनिंग शिफ्ट है शिफ्ट अलग अलग क्यों होती है क्योंकि जिस भी पेपर में ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो एक शिफ्ट में पेपर कंडक्ट नहीं हो पाता इसलिए उसको दो शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में अब बात करते हैं हम पंद्रह तारीख की पंद्रह तारीख को है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर साइकोलॉजी का पेपर एंड आपका है एनवायरमेंटल साइंस का पेपर आगे बढ़ेंगे सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस भी आपका दो शिफ्ट में हो रहा है मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट फिर बात करेंगे 16 तारीख में 16 तारीख में हो रहे आपकी हिस्ट्री का पेपर मैनेजमेंट का पेपर है विच इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग पर्सनल मैनेजमेंट एंड फिनंशियल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड सो ऑन साथ ही साथ 16 तारीख को आपका हिस्ट्री का शिफ्ट टू में पेपर है और लॉ का भी पेपर है देन बात करेंगे सत्रह तारीख की सत्रह तारीख में है आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर हिंदी शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में है एंड uh, उसके बाद है आपका सोशियोलॉजी तो यहाँ तक जो है वो आपका है फेज वन तो फेज वन कब से कब तक हो रहा है तेरह से लेकर के सत्रह जून तक आपका फेज वन का एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवा रहा है नेक्स्ट स्केड्यूल देख लेते हैं तो बात करते हैं हम फेस टू एग्जामिनेशन की जो कि आपका होगा फ्रॉम नाइन्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून एज प्रॉमिस बाई एन टी ए हम जो है बाईस जून तक पेपर सारे कंडक्ट करा लेंगे तो फिर आपका 17 के बाद अट्ठारह गैप है 18 को कोई पेपर नहीं है उन्नीस को पेपर है और फिर उन्नीस से लेकर के बाईस तक आपका पेपर है जो कि फेज टू का है आइए इसके भी स्केड्यूल देख लेते हैं एन ने क्या स्केड्यूल जारी किया है किस तरह से जो है वो पेपर डिवाइड किया है सबसे पहले बात करेंगे उन्नीस तारीख की उन्नीस तारीख में है आपका एजुकेशन जियोग्राफी एंड फिलोसफी साथ ही साथ आपका हाँ ये तीनों पेपर है सिर्फ आपका 19 में 20 तारीख में बात करें तो 20 तारीख में है आपका इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेमोग्राफी डेवलपमेंट प्लानिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा देन आपके सारे लैंग्वेज हैं बंगाली ओडिया सोशल वर्क भी है आपका बीस तारीख में देन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज इंडियन कल्चर कंपेरेटिव लिटरेचर मैथिली राजस्थानी हिंदू स्टडीज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन देन आफ्टर आफ्टर जर्मन इंडियन नॉलेज सिस्टम डोगरी कश्मीरी कौनकनी स्पेनिश प्राकृत जी प्राकृत रशियन चाइनीज जापानीज़ एंड सिंधी ये आपका कब है ये आपका 22 तारीख में सारा पेपर है तो एक जो अलग चीज़ मुझे देखने को मिली है इस बार दैट इज कि आपका जो फेज वन है उसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो आपके मैक्सिमम एप्लीकेंट्स जिस पेपर में अपियर होते हैं वो एग्जामिनेशन कंडक्ट पहले करवा लिए गए हैं में भी जो आपका ज्योग्राफी और एजुकेशन का पेपर है वो सबसे पहले यानी उन्नीस तारीख को हो रहा है तो उसको भले फेज टू में डाला गया है बट उसको फेज टू में भी बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल दिया गया है अब बात करेंगे हम 21 तारीख में कौन कौन सा पेपर है तो 21 तारीख में है आपका लेबर वेलफेयर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म तमिल विजुअल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक साइंस म्यूजिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी एंड तेलुगू ये आपका इक्कीस तारीख को पेपर है उसके बाद है आपका इक्कीस तारीख में उर्दू और योगा भी आपका इक्कीस तारीख में ही है तो एक मतलब मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट देखा था जिसमें यह था कि भाई 21 तारीख को योगा का पेपर है और 21 को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी सेलिब्रेट किया जाता है तो आप इसको अदरवाइज मत लें कि बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे पेपर ऐसी कोई बात नहीं है आपके लिए प्रियोरिटी होना चाहिए आपका पेपर एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उस दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है आप अपना पेपर देने जाए उसको मिस ना करें दैट्स वे वन से टू दो स्टूडेंट जो थोड़े परेशान हैं फिर बात करेंगे बाईस तारीख में बाईस तारीख में आपका जो पेपर है दैट इज हाँ यहाँ से शुरू कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी अरबिक एसमीज फॉरेंसिक साइंस कन्नड़ मलयालम मराठी पॉपुलेशन स्टडीज संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट देखो संस्कृत का जो मेन पेपर है जो मेन संस्कृत लैंग्वेज का पेपर है वो फेज वन में है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं देन आपका टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ गुजराती दैन परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर संताली लिंग्विस्टिक्स आर्कियोलॉजी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ अडल्ट एजुकेशन बोर्डो पोलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल स्टडीज इंक्लूडिंग डिफेंस एक्सेट्रा एंड देन आपका आता है वीमन स्टडीज़ एंड क्रिमिनोलॉजी अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ बुद्धिस्ट जैन गांधी एन एंड पीस स्टडीज़ फोक लिटरेचर नेपाली परशियन मणिपुरी फ्रेंच एंड आपका लास्ट में है पाली तो ये आपके सारे के सारे स्केड्यूल जो है वो एन ने फाइनली जारी कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर साथ ही साथ आपको पता भी होगा दैट सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ चुकी है आपकी आप यूजीसी uh, की वेबसाइट पर जाकर के वो भी चेक कर सकते हैं सो दिस इज़ दी एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो दी एप्लीके यू जी सी नेट फेज़ टू एज वेल एज़ फेज़ वन Uh, तो दोनों ही आपका जो है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ चुकी है आपको पता है कल भी मैंने बताया था कि क्योंकि स्केड्यूल जारी हो चुका है तो सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आज शाम तक आ जाएगी एंड दैट्स व्हाट हैपेंड शाम तक आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया आज आई थिंक आपके एडमिट कार्ड्स भी uh, मिल जाने चाहिए आज या फिर आज शाम तक या फिर कल तक मे भी आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी आ जाएंगे उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले देने का मतलब ये होता है मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो किस सिटी में है ताकि अगर आपको यू नो टिकट्स लेनी हो या कम्यूट करना हो तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हों दैट यस यू हैव टू मूव राइट चलिए तो uh, आज के लिए इतना ही आई थिंक आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है आई थिंक दैट अब आप लोग सभी रेडी हैं और आपकी इस प्रिपरेशन को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाने के लिए uh, मैं कल uh, आपसे 12 बजे दोपहर में जोड रही हूं विद कंप्लीट पेपर 1 तो वहाँ पर हम रिविजन करेंगे आ, पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये चार आपके जो मेजर यूनिट्स हैं उनको हम टैकल करेंगे कल की क्लास में तो मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलें कल दोपहर बारह बजे से चलिए थैंक यू वेरी मच टेक केयर एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट कीप स्टार्टिंग एंड डू नॉट टेक मच स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा जस्ट फोकस एंड या यू विल बी गुड थैंक यू वेरी मच